बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा जिसमें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम कराऊंगा और बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर से। बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर का मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, जो इससे पहले वाला लेक्चर है, कि बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर में किस तरीके से उसकी वर्किंग है और किस तरीके से होता है। तो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। ये कहता है, इन बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल एंड आर ऑफ मैग्नीट्यूड 0.5 मिली टेस्ला। यानी बेन ब्रिज में आपको पता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेलोसिटी सिलेक्टर में और एक बाहर होती है। तो कहते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और 0.5 मिली टेस्ला है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट। दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस 500 वोल्ट है। And plates are separated by a distance of 20.0 centimeter. और plates जो है 20 centimeter के distance पे हैं। तो a beam of electrons is directed to Bain Bridge spectrometer. एक beam electrons की Bain Bridge spectrometer की तरफ directed है। And it is observed that the radius in which beam of electrons moves in outer magnetic field is 5.68 centimeter. और जो radius है वो 5.68 centimeter है। From this डेटा कैलकुलेट चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये कह रहा है इस तरह करें। अब देखिए जो हमारा बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर था उस पर मैंने जो टॉपिक किया था, ये आप देखें ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इधर से, ये इधर से वोल्टेज उसको एनोड से वेलोसिटी वी से जा रहा है। इधर ये वेलोसिटी सिलेक्टर है, ये फ्लोरोसिन स्क्रीन से पहले ये वेलोसिटी सिलेक्टर से आप वी वैल्यूम कर सकते हैं या वी जिस तरह जो भी आ रहा है वी। अच्छा, उसके बाद आप ये बेन ब्रिज अगर ये इधर से आके ये रेडियस है, अब देखिए ये दे रहा है कि ये इसमें आपका 500 वोल्ट है और इनका डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रहा है और ये रेडियस इन दोनों का डिस्टेंस ये रेडियस दे रहा है आपको, इसका हाफ दे रहा है जो रेडियस है, यानी ये रेडियस वो 5.68 सेंटीमीटर दे रहा है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रहा है 0.5 मिली टेस्ला दे रहा है। तो अब देखें कि ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि इसका जो फार्मूला आया था, अगर मैग्नेट फील्ड इक्वल हो तो ई अपान एम आया था वी अपान बी स्क्वायर आर टी के। तो आप इसको दोबारा मेरे लेक्चर में आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये मैं लिखूँगा ई अपान एम इक्वल वी अपान बी स्क्वायर आर डी। मैं बिल्कुल इसी तरह चलूँगा, देखें ये मैं वही लिख रहा हूँ कि ई अपान एम इज इक्वल टू वी अपान बी स्क्वायर आर डी। वी पोटेंशियल डिफरेंस है, बी मैग्नेट फील्ड दोनों में जो है, आर रेडियस है जिसमें पास में मूव करता है और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। तो आप एग्जामिनर हो सकता है आपसे पहले फार्मूला प्रूव कराए, अगर प्रूव कराया तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अभी दिखाया अभी कि आपको किस तरीके से मैंने प्रूव कराया। अब इसमें देखें ई अपान एम रेशियो के लिए बस सब वैल्यूज पुट करेंगे, वोल्टेज है 500 वोल्ट अपान बी स्क्वायर, देखें ये जो है 0.5 मिली टेस्ला है, 0.5 मिली टेस्ला की मैग्नेट फील्ड इंडक्शन है। तो 0.5 मिली टेस्ला यानी 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू रेडियस है, ये रेडियस है 5.68 सेंटीमीटर का, 5.68 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज कर लूँगा तो ये आ जाएगा 5.68 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स में, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप देखें ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें आप 20 पुट करें, 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20.0 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये आप कैलकुलेट करें तो चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 अपॉन ये ब्रैकेट में 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 स्क्वायर इंटू 5.68 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 इंटू, ये एक ही दफ़ा आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20 एक्सपोनेंशियल माइनस 2, ये आपके पास कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन है। तो ये आता है तकरीबन 1.76
3 sigma 1.76 into 10 power 11 इसका यूनिट होगा कूलम पर केजी। ये एक्चुअल वैल्यूज ली गई हैं प्रैक्टिकल में, तभी ये बिल्कुल ये रेशो सेम आ रहा है। एग्जामिनर भी इसी तरीके से जो होती है एक्चुअल वैल्यूज होती है, रेशो इसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी, तो वो वैल्यूज आनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में ये है कि चार्ज दिया गया, कहा जा रहा है कि मास मालूम करें, तो अगर आपने इसका मास मालूम करना है तो ये ई अपान हो जाएगा 1.76 इंटू 10 पावर 11, तो आपका ये ई जो है वो होता है हमेशा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपान 1.76 इंटू 10 पावर 11। मुझे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है, लेकिन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा आपको कि इसकी वैल्यू यही आ रही है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 और अपान ये 1.76 एक्सपोनेंशियल 11, बिल्कुल 9.09 ये वैल्यू आई, 9.09 या 9.1 ले सकता हूँ इंटर 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो बिल्कुल ये वैल्यू आई। देखिए बेन ब्रिज जो है, सबसे पहले बेन ब्रिज जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें अगर मैग्नेट फील्ड बराबर हो तो ये फार्मूला आपको या तो एग्जाम प्रूव कराएगा या आपको आना चाहिए। ये मेरा पिछला लेक्चर है, उस पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मैंने प्रूव कराया है। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो चार्ज टू मास रेशियो ये आ गया। चार्ज टू मास रेशियो के बाद आप देखें कि मास वैल्यू करना है, इसमें वैल्यू पुट करें तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया।